नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कब तक में। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा। इसका पार्ट वन हमने बनाया था जिस पे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। हम उम्मीद करेंगे आप वैसा ही प्यार इस वीडियो पे भी ज़रूर देंगे। तारक मेहता के कुछ वो एक्टर्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आज के डेट में तारक मेहता को छोड़ के जा चुके हैं, और रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो एक्टर तारक मेहता को छोड़ गए और अब क्या कर रहे हैं ये एक्टर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इन दिनों तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वैसे तो बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। खैर, हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए कोई और वीडियो में बात करेंगे। वैसे दोस्तों, तारक मेहता के कई सारे एक्टर्स हैं जो आज के डेट में शो को छोड़ चुके हैं और अपने आप को, अपना नाम इस शो से बिल्कुल जुदा कर चुके हैं। लेकिन वैसे भी दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा इतना फेमस है कि इनके कलाकारों को आए दिन लोग सर्च करते रहते हैं कि आखिर पुराने एक्टर्स क्यों छोड़ गए, कहाँ गए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो शायद इस शो से पहले से जुड़े थे, लेकिन अब वो अपनी दूरियाँ बना चुके हैं इस शो से। कई बार मेकर्स के चलते, कई बार चैनल के चलते, तो कई बार किसी निजी कारणों के चलते। वैसे इस लिस्ट में निधि भानुशाली, जो कि सोनू का कैरेक्टर निभा चुकी हैं, झील मेहता जो कि सबसे पुरानी सोनू थी, इसके अलावा पलक सिद्धवानी जो कि अभी की रिसेंटली सोनू हैं, और इसके अलावा हम राज अनाटकट और भव्य गांधी के बारे में भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पुराने हंस राज हाथी के ऊपर भी बात किया जाएगा कि आखिर क्यों उन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया। तो शुरुआत से शुरू करेंगे तो सबसे पहले झील मेहता के बारे में बात करते हैं। तारक मेहता की ये एक्ट्रेस जिन्होंने सोनू का कैरेक्टर बचपन से निभाया था, ये एक टीवी शो में काम करने वाली एक्ट्रेस हैं जिनको पहला डेब्यू मिला था तारक मेहता से। वैसे दोस्तों, आज के डेट में तो झील मेहता मॉडलिंग एक्टिंग की दुनिया में अलग अलग वेब सीरीज और टीवी शोज के लिए एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और अब वो कर भी रही हैं। लेकिन इस एक्ट्रेस को फेमस बनाया था तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। तारक मेहता की सबसे पुरानी सोनू को लोगों ने खूब पसंद किया था, और सालों दर साल इस एक्ट्रेस ने लोगों का मनोरंजन भी किया। लेकिन झील मेहता ने अब इस शो को छोड़ दिया, और वो भी ऐसे यंग एज में छोड़ा कि आज के डेट में झील मेहता को अब देख लो तो शायद आप पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन रिसेंटली पिक हम आपके सामने रखते हैं, आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत हो गई है हमारी आज की सोनू। वैसे झील मेहता का दोस्तों कारण ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन झील मेहता का कारण जो था वो पर्सनली था। इनकी फैमिली जो है वो चाहती थी कि झील मेहता कुछ टाइम के लिए अपने स्टडीज पे ध्यान दे, जिसके चलते वो तारक मेहता से अपने आप को दूर कर लेती हैं, और आज के डेट में इनको रिप्लेस कर दिया गया था निधि भानुशाली से। इनका नाम तब जुड़ा था जब झील मेहता ने इस शो को छोड़ दिया था, और उसके बाद आपकी अपनी सोनू बन गई थी निधि भानुशाली। वैसे कहने के लिए तो गुजरात के गांधीनगर से जन्मी निधि भानुशाली एक एक्ट्रेस हैं। इनके अलावा इन्होंने मोंटू की पलटन जैसी मूवीज़ में भी काम किया है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा से इनको फेम मिला, और इसके साथ साथ निधि भानुशाली कई सारी वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ का भी हिस्सा बनना चाहती हैं। खैर, ये अभी भी अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन निधि भानुशाली के तारक मेहता छोड़ने के किस्से शायद ही लोगों को पता हो। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, निधि भानुशाली ब्लॉगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। अपने कैरेक्टर को कम होता देख और मेकर्स से कुछ खिचपिच होने के कारण इन्होंने शो को छोड़ दिया, और इसके बाद इसमें रिप्लेस कर दिया गया सोनू के कैरेक्टर में पलक सिद्धवानी को, जो आज तक आपको इस शो में नज़र आ रही हैं। और पलक सिद्धवानी ने मोर्चा संभाल रखा है, और वो सोनू के कैरेक्टर में आज भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इसके अलावा हम बात करें भव्य गांधी की, तो इनके किस्से लोगों को ज़्यादातर पता है, क्योंकि भव्य गांधी यानी कि टप्पू सेना का वो लीडर जो टप्पू सेना को कंट्रोल करता था। अब लीडर अगर गायब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि शो में कहीं ना कहीं लोग और कहीं ना कहीं एक्टर्स भी इस शो से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आएंगे। पुराने टप्पू यानी कि भव्य गांधी को लोग आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इन टप्पू के शो छोड़ने के किस्से बहुत पुराने हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि टप्पू ने गुजराती मूवीज़ के लिए शो को छोड़ दिया, तो कई ऐसे रूमर्स भी निकले हैं कि असित कुमार मोदी से खटपट होने के चलते ही टप्पू ने इस शो को छोड़ दिया था। उसके बाद इस शो में रिप्लेसमेंट हुआ, जिसमें
में राज अनाटकट ने टप्पू का कैरेक्टर निभाया और टप्पू के कैरेक्टर से ये एक्टर भी गायब हो चुका है। वैसे दोस्तों राज अनाटकट एक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इसके साथ साथ वो टप्पू के कैरेक्टर में बेहद खुश थे और आज के डेट में भी कई सारे म्यूज़िक वीडियो, कई सारे एल्बम वीडियो में नज़र आते रहते हैं। लेकिन राज अनाटकट को जो मेन पहचान मिली थी वो मिली थी तारक मेहता के कैरेक्टर से और टप्पू के कैरेक्टर से, क्योंकि भाई ये जेठालाल के बेटे बने थे। अब राज अनाटकट का दोस्तों छोड़ने के जो रीज़न है वो बहुत स्ट्रेट और सिंपल है। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी बड़ी वाली, जिसके चलते मेकर्स चाह रहे थे कि अब ये एक्टर से दूरी बना ली जाए, जिसके चलते इस एक्टर ने शो को छोड़ दिया और मेकर्स इवन आज के डेट में भी टप्पू के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं हमारे और आपके सबके फेवरेट हंस राज हाथी यानी कि कवि कुमार आज़ाद। ये वो एक्टर हैं, ये वो शख्स हैं जिनको लोगों ने खूब पसंद किया हाथी के कैरेक्टर में, या फिर ये कह सकते हो कि भाई बड़े बड़े हाथी भी इनके सामने घुटने टेक दें। ऐसे थे कवि कुमार आज़ाद। कवि कुमार आज़ाद ने इस शो को वैसे तो नहीं छोड़ा, कवि कुमार आज़ाद ने दुनिया ही छोड़ दी, क्योंकि तारक मेहता के इस एक्टर को 9 जुलाई 2018 को हार्ट अटैक का शिकार हो गए, जिसके चलते हंसराज हाथी को तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने भाव्यपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ विदा किया और जिसके बाद कवि कुमार आज़ाद ने इस दुनिया छोड़ दिया, जिसके बाद आपको इस कैरेक्टर में नजर आए निर्मल सोनी, जो कि ऑन स्क्रीन में तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में हाथी भाई के छोटे भाई बताए गए थे पहले, लेकिन बाद में इन्हीं को हंसराज हाथी के कैरेक्टर में मेकर्स ने फिट कर लिया और इवन आज के डेट में भी हंसराज हाथी का कैरेक्टर यही एक्टर निभा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी वो कहानी जो एक्टर्स छोड़ गए तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। अब हम आगे आने वाले दिनों में तारक मेहता से जुड़े हुए कुछ कलाकारों की बायोग्राफी, उनके पास्ट की हिस्ट्री और उनकी कहानियों के बारे में भी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपके लिए इसी तरीके की अनटोल्ड स्टोरी लेके हम हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।